गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, हाउ इज़ द स्टडी गोइंग? आई होप आप सब अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो आज हम करने वाले हैं एस्टीमेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हमने पहले क्या कर रखा है, एस्टीमेशन ऑफ एडिशन, एस्टीमेशन ऑफ सब्सट्रैक्शन। अब सेम हमें करना है एस्टीमेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देखो हमें बोला है एग्जाम्पल में डू द एस्टीमेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 51 एंड 36। ठीक है, तो हमने साइड में पहले नंबर लिख लिए दोनों। अब इनका नियरेस्ट 10 निकाला, तो 51 का होगा 50, 36 का होगा 40। अब हमें एस्टीमेशन मल्टीप्लिकेशन यानी जो हमने नियरेस्ट 10 निकाला है दोनों नंबर्स का, उनका मल्टीप्लाई। तो देखो 50 और 40 का मल्टीप्लाई किया हमने तो आ गया 2000। ठीक है, अब देखो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन जब हमने किया 51 और 36 का तो आया 1836। ठीक है, तो वो 1000 के पास है। ठीक है, अब सेम देखो हम यहाँ पे करेंगे डू द एस्टिमेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 432 एंड 261। तो हम पहले 432 और 261 का नियरेस्ट 100 निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ 3-डिजिट नंबर है। ठीक है, ये 100 में नंबर है तो हम 100 निकालेंगे। तो नियरेस्ट 100 432 का होगा 400 और 261 का होगा 300। तो पहले हम एस्टिमेटेड मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी नियरेस्ट 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो कि 400 इंटू 300 विच गिव्स 1,20,000। ठीक है, उसके बाद जब एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, जो नंबर दिए हुए हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी 432 और 261 तो कितना आएगा 1,12,752 जो कि उसके पास है। ठीक है, तो अब ऐसे ही देखो क्या दिया आपको, फाइंड आउट द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट एंड द एक्चुअल प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ टू देयर नियरेस्ट 10। प्रोडक्ट का मतलब याद रखना हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो आपको 2358, 46, 91, 55 और 21 का निकालना है। ठीक है, मैं जैसे आपको 2358 का करके दिखाती हूँ, 23 और 58। 23 का नियरेस्ट 10 होगा 20 और 58 का होगा 60। जब हम एस्टिमेटेड मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 60 × 20 करेंगे। ठीक है, जो कि आ जाएगा 1200। ठीक है, आप पूरा सॉल्व करेंगे और जब एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन हम निकालेंगे तो हो जाएगा 58 × 23। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर आएगा आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सेम ऐसी देखिए, सेम ऐसी हम क्या 3-डिजिट नंबर वाले का करेंगे जिसमें आ गया 513 और 156। तो इसका नियरेस्ट 100 होगा कौन सा, 500, और इसका नियरेस्ट 100 होगा क्या 1,200। ठीक है, तो अब आप इनका एस्टिमेटेड मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 500 × 200 करेंगे। ठीक है, जो कि आ जाएगा 1,00,000। ठीक है, और जब एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 513 और 156 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, ये हो गया एस्टिमेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए आता है हमारे पास, ये दोनों आप सॉल्व करेंगे, आपको होमवर्क है। अब हमारे पास आता है एस्टिमेशन ऑफ डिवीज़न। ठीक है, ये भी वैसा ही है। देखो हमने क्या किया, पहले 62/26 दिया हुआ, 62 26 को लिखा, उनका नियरेस्ट 10 लिया, 62 का हो गया 60, 26 का हो गया 30। ठीक है, तो पहले 60 को 30 से डिवाइड किया, जो छोटा, हम जानते हैं कि जो बड़ा नंबर होता है उसको हम छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 60 को हमने 30 से डिवाइड किया। यहाँ पे देखो पहला जो साइन लिखा रहता है उसको हम डिवाइड करते हैं बाद वाले नंबर के साथ, तो बाद वाला नंबर 26 है, तो 26 का नियरेस्ट 10 क्या है 30, और पहला 62 है, 62 का है 60, तो 60 को डिवाइड करें 30 से तो आया आंसर 2। अब देखो एक्चुअल डिवीजन में क्या करते हैं, 62 को डिवाइड करेंगे 26 से, तो देखो यहाँ पे भी आंसर आ रहा है 2, लेकिन यहाँ ये देखो यहाँ रिमाइंडर 0 बच रहा था, यहाँ रिमाइंडर 10 बच रहा था। हमको रिमाइंडर से मतलब नहीं, हमको आंसर से मतलब है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद वाला एग्जांपल देखो, 256/26। ठीक है, तो 256 का नियरेस्ट 100 है वो 300 है। ठीक है, 26 का नियरेस्ट 30। अब देखो यहाँ पे 256 का हमने नियरेस्ट 100 निकाला है क्योंकि वो 3-डिजिट नंबर है, और 26 का नियरेस्ट हमने 10 निकाला है क्योंकि वो 2-डिजिट नंबर। ठीक है, तो फिर 300 को 30 से डिवाइड कर। ठीक है, तो हमने एस्टिमेशन निकाला कितना, नियरेस्ट 100 300 था और नियरेस्ट 10 था 30, तो 300 को 30 से डिवाइड किया तो आया 10। उसके बाद देखो एक्चुअल डिवीजन में क्या किया, 256 को 26 से डिवाइड किया तो आया 13। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये भी करना है। ठीक है, ये वाला भी करना है। ठीक है, तो इसी के साथ होता है आपका चैप्टर कंप्लीट, और ये सारा मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाला आपका होमवर्क है, तो आप ये करके सबमिट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।